नमस्ते, नमस्ते, मेरा नाम शेम, क्लास 4 से पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम पड़क्कू की सूझ और उसकी कवि का नाम नामधारी सिंह दिनकर है। और अब मैं अपनी पोयम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक पड़क्कू बड़े तेज तर्क शास्त्र पढ़ते थे, यहाँ ना कोई बात वहां भी नहीं बात करते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है गोलू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई डब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा, उसने ऐसे अजीब न देखे लेते तुम जान बेची कैसे। गोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा है हो या पागुर करता है। मालिक ने कहा, अजी इसमें बात क्या बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में एक घंटी पड़ी है। जब तक ये बस्ती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़ कर तने की कूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ, मानती की बातें समझ सकोगे थोड़ा। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ आ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुनटुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भरते साथ तुम तक भी तुम क्या पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाए सिखा है क्या, यहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। ये यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मानसिक पढ़ पाया है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा भाई। पड़क्कू पे बोल दिया रामधारी सिंह दिनकर का, इतना अच्छा रीडिंग किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच अक्षय। और मायरा कहाँ है भाई, आ गई? एक सेकेंड।